एवरीवन, दिस इज निशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, लेकिन मीशो पे बहुत ही भयंकर सेल चल रही है, जिसे हम कहते हैं महा सेल। यहाँ पे आपको 80% से ज्यादा ऑफ मिल रहा है आपके फेवरेट्स पे। तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से शॉपिंग करना चालू करो। मैंने तो बहुत ही प्यारे प्यारे चीजें पिक की है एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद ईच एंड एवरीथिंग। लाइक मैंने इनको ना ऑर्डर करते टाइम बहुत सोचा था कि यार ये ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन ओ माय गॉड, इस बार मैं क्वालिटी से बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ। सारी चीजों की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड दिखाएंगे कि मैंने क्या क्या पिक किया है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए फटाफट आप इस सेल से क्या ले सकते हो। लेकिन उससे पहले, इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट माय वीडियोस नोटिफिकेशन। सारे बाल मेरी आंखों में आ रहे हैं, गॉड, अभी मैंने आगे आई हूं गाइस, मेरे सारे बाल भी भीगे हुए। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो। रैंडम पिक से तो कुछ भी मैं पिक करके बस दिखाती जा रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पे सारा का सारा सामान रख लिया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ये रेड कलर का बहुत ही सुंदर टॉप। सी इसका डिजाइन, हाँ एग्जैक्टली, ये ऑफ शोल्डर है। ऑफ शोल्डर क्या, ये गायब है, पूरा ट्यूब टॉप है। एंड ये जो मैंने देखा था वेबसाइट पे, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। बट यस, मुझे थोड़ा सा मीशो से कुछ भी ऑर्डर करते टाइम ना थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार पता नहीं एग्जैक्टली सेम आएगा या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सेम आया है गाइज। एंड पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत हॉट लग रहा है। मैंने जो भी साइज पिक किया है ना, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी एंड बॉडी मेजरमेंट भी लिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए आप क्या पिक कर सकते हो। ओके, अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई भी नहीं की है, लाइक बिना ऑर्डर आ ही रहे थे मेरे, ये आज मॉर्निंग तक आए हैं। ठीक है, तो दूसरा टॉप है मेरा ये मैश डिटेलिंग वाला, कुछ ब्राड टाइप टॉप है ये। मैंने इसे अपने जिम के लिए ऑर्डर किया है एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं यहाँ पे जो ट्राई ऑन दिखाऊंगी ना, उसमें आपको क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ है। सो गाइज, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। फिर से वही चीज़ मेरे दिमाग में आई थी मीशो से ऑर्डर करते टाइम कि पता नहीं सेम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये पीस एग्जैक्टली सेम आया है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। पूरा मैच डिटेलिंग है एंड अंदर से ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये कुछ ब्रा टाइप है जिसमें फैट लगे हुए हैं। मतलब बेसिकली ये एक ब्रा टॉप है, मैच डिटेलिंग वाला, फुल स्लीव्स वाला, जो कि आप जिम पहन के जा सकते हो। ओके, यहाँ पे बगल में चेन है, तो आप अपने जब फिटिंग का ऑर्डर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वेयर करने में। ठीक है, ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है वो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। साइजेस एंड ऑल वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो स्क्रीन पे देखते हुए चलना। ठीक है, जिम का ही सोच के मैंने ये पैराशूट पैंट भी ऑर्डर की थी एंड इसकी क्वालिटी से मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। इतने सस्ते प्राइस में मुझे ये जो क्वालिटी मिली है ना, मीशो आई लव यू। बहुत ही प्यारी पैंट है, अगेन लूज पैटर्न है। मुझे तो यू नो बॉटम्स लेने में बहुत डर लगता है यार, किसी भी साइड से। अब तुम मीशो तो छोड़ ही दो, किसी भी साइड से बॉटम लेने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि जल्दी से ना अच्छी फिटिंग आती नहीं है। बट ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है यार। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, मैं उन्हें भी ऑर्डर करूंगी। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, लाइक एक्सपेंसिव वाली वाइब दे रहा है। इतने सस्ते में मीशो पे ही मिल सकती है आपको ये चीज़। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे किसी भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलने वाला है। कसम से बता रही हूँ, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, मटेरियल बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इसका। एंड ये जो स्टिचिंग वगैरह है ना, जो आपकी कमर पे आ रही है, ये जो मटेरियल है रबड़ का, या फिर नीचे ये ड्रॉ स्ट्रिंग टाइप है, आप इसे टाइट करके पहन सकते हो। उस बगल में ये जेब है एंड चार जेब है इसमें टोटल एंड पहनने के बाद कितना कूल लग रहा है। मैंने ना उस ब्लैक वाले के साथ इसको कंबाइन करके वेयर किया है एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। ये एक ऐसी वीडियो है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो फिर मैंने एक बॉडीकॉन ड्रेस ली फिर से एंड मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ इसके बैक की वजह से ऑर्डर की थी। इसका बैक ना पूरा ओपन है एंड ये वाली जो स्ट्रिंग्स है ना, वो आप पीछे गले पे बांध लोगे एंड कैसा लुक आ रहा है वो तो आप यहाँ ट्राई ऑन में देख ही सकते हो। बहुत ही कूल ड्रेस है, कूल नहीं कहेंगे इसे, हॉट ड्रेस है। एंड हाँ, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, रिब्ड मटेरियल है, तो अगर आप 2 इंच इधर उधर भी होगे तो ईजिली इसे वेयर कर सकते हो। पहनने के बाद बहुत कूल लग रहा है। अगर आपको बॉडीकॉन ड्रेसेस पसंद है, यू नो आई लव बॉडीकॉन्स, तो जब भी जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ ना किसी भी वेबसाइट से, तो आप ज़रूर नोटिस करोगे कि उसमें एक ना एक ड्रेस ऐसी होती है जो बॉडीकॉन होती है। सो यस, आई एम ऑब्सेस्ड विद बॉडीकॉन ड्रेसेस एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, क्वालिटी से भी एंड फिटिंग से भी। इसके बाद मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मुझे इस क्वालिटी में ड्रेस मिल गई है, वो भी मीशो से। ये ड्रेस ऑर्डर करते टाइम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट्स थे कि यार ये इतनी सुंदर दिख तो रही है वेबसाइट पर ये ऐसी आएगी भी या नहीं। लेकिन गाइज, आई एम ऑब्सेस्ड, लाइक देखो कितनी सुंदर ड्रेसेस है ये। न्यूमी पे इन्हीं सब टाइप की ड्रेसेस इतनी एक्सपेंसिव होती है, 1500-1600 या फिर 2500 तक का भी प्राइस जाता है, एंड ये मुझे मिली है जस्ट
टू 500 के बीच में, इतनी सस्ती ड्रेस है एंड कितना ज्यादा रिच वाइब दे रहा है। आप ये देखो इसका पैटर्न कितना सुंदर है एंड पहनने के बाद ये बॉडी पे कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है वो तो आप देख ही सकते हो। सो मुझे तो बहुत ही मजा आ गया ये वाला ड्रेस लेके। एंड अगर आपको बॉडीकॉन्स लेनी है इस टाइप की तो मीशो पे ना भर भर के डिजाइन अवेलेबल है, पिंक, येलो, रेड, बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है। अगर आप ब्लैक नहीं लेना चाहते हो, लेकिन मुझे तो ये पैटर्न भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, काफी क्लासी वाइब दे रहा है ये, तो आप वो भी ले सकते हो। मैं तो जस्ट इसको ऑर्डर करके देख रही थी कि यार क्वालिटी कैसी आती है इसकी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड एक चीज और अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे अगर आप इसकी स्ट्रिप देखोगे ना तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कई बार अगर ये एक ही साइज का दे देते हैं तो कई लोगों की बॉडी पे वो अच्छे से फिट तो हो जाता है, लेकिन कई लोगों की बॉडी पे वो दिक्कत करता है, तो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। तो ये चीज अच्छी की है इस ड्रेस में। एंड ओवरऑल तो यू ऑलरेडी नो योर गर्ल लव बॉडीकॉन्स एंड इस टाइप की बॉडीकॉन मिल गई है मुझे मीशो पे इतने सस्ते में, आई एम सो हैप्पी। सो एक टॉप मैंने यहाँ पे पहना हुआ है, ब्लैक कलर का है, इसका भी डिजाइन बहुत सुंदर है, यू कैन सी बैक से पूरा ओपन है। मैंने इस बार हॉट हॉट टॉप्स लिए हैं, वो रेड वाला भी देखा आपने कितना हॉट है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा इतने ज्यादा ओपन टॉप्स में ज्यादा वेयर करती नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने वैरायटी के साथ ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया है, तो मैं हर एक टाइप के कपड़े ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है, फ्रंट से जिप डिटेलिंग है एंड ये जिप की जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है एंड कितना सुंदर लग रहा है। ये टॉप जो मैं भी दिखा रही हूँ ना आपको, इससे पहले भी जो दिखाए थे और ये भी सब रिब्ड मटेरियल में है, तो अगर आप 2 इंच इधर उधर हो तो आपको आराम से आ जाएगा ये। मैंने क्या साइज लिए हैं वो तो मैं स्क्रीन पे मेंशन करते हुए चल ही रही हूँ एंड बॉडी मेजरमेंट भी मैंने मेंशन किया था, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो आप उनके साइज चार्ट भी देख सकते हो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या साइज पिक करना चाहिए। इसके बाद गाइज एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ड्रेस मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सी आई डोंट नो आप लोगों ने ये वाला ड्रेस देखा है इंटरनेट पे या नहीं, लेकिन ये काफी ज्यादा वायरल है एंड जब मैंने इसे मीशो पे देखा मैं बस देखती रह गई, मैंने कहा यार मीशो पे कैसे अवेलेबल हो सकती है इतनी सुंदर ड्रेस। मैंने एक जून पेरी करके साइट है उस पे ये ड्रेस देखी थी एंड देन जो मैंने मीशो पे देखी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मीशो पे, जिस तरीके के हम प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं ना लाइक 200, 300, 400, 500, उससे तो थोड़ा सा हटके है, लेकिन इतना प्राइस आप इसके लिए पे कर सकते हो। इसकी क्वालिटी देखो कितनी ज्यादा सुंदर है, ऊपर का सारा वर्क जो है ना वुलन टाइप जो क्रोशा करके, यार कसम से मुझे ये प्रोनाउंस करना नहीं आता इसलिए मुझे नहीं पता है, वो जो हम स्वेटर की तरह एक और चीज़ नहीं बुनते हैं वैसा कुछ डिज़ाइन है इसका, थोड़ा सा थिक मटेरियल है तो गर्मी में तो आप इसे वेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उससे पूरा वर्क है इसका, प्लस अंदर ये अस्तर टाइप लगी हुई है, तो डबल लेयरिंग है इसकी एंड 3-पीस सेट है ये एंड एक ये ट्यूब सा मिलेगा आपको इसके साथ एंड फिर ये पैंट है। पैंट की भी क्वालिटी बहुत अच्छी, मतलब ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत प्यारी है एंड पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है वो आप देख सकते हो। कुछ इस रेंज का इतना सुंदर मिल रहा है तो थम्स अप फॉर दिस। ये रैंडम पिक्स वीडियो थी, तो मैंने इसमें और भी बहुत ही वैरायटीज डाल दी है, लाइक अब ना मैं जो दिखाने जा रही हूँ ये सारे थोड़ा एथनिक की तरफ चला जाता है, आप इंडो वेस्टर्न कह सकते हो। फर्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल वाइट कलर का कुर्ता, क्योंकि नवरात्रे आ रही है तो नवरात्रे में ना ये आप इसका अगर डिजाइन देखोगे तो पूरा नवरात्रे वाइब ही दे रहा है ये, मैं इससे ना एक नवरात्रे लुक भी क्रिएट करने वाली हूँ। तो गाइज ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, वेबसाइट पे देख के मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी एंड मुझे बिल्कुल सेम क्वालिटी सेम डिजाइन रिसीव हुआ है। मतलब लास्ट टाइम जब मैंने मीशो से शॉपिंग की थी 2-3 चीजें मुझे डिफरेंट रिसीव हुई थी, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ बिल्कुल डिटो वही रिसीव हुआ है। एंड गाइज एक चीज और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास कुछ दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है तो घबराओ मत, मीशो की जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत ही इजी है, स्मूथ है, तो आप तुरंत रिटर्न कर सकते हो एंड तुरंत ही आपका पैसा वापस आ जाता है। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, इसकी क्वालिटी काफ़ी सुंदर है एंड ये आपको बहुत ढीला ढाला लग रहा होगा, लेकिन ये फ्रंट में ना ये बांधने वाला है जिससे ना आप कमर पे इसे टाइट कर सकते हो एंड फिर ये आपकी फिटिंग हो जाएगा एंड पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है वो आप देख सकते हो। आप इसे एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हो, कुर्ते की तरह भी वेयर कर सकते हो एंड आप इसे बहुत तरीके से वेयर कर सकते हो गाइस, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो। इसके अलावा आई हैव 2 मोर कुर्ताज, इनके भी डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे तो बस मैंने इनको ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैं रैंडमली कुछ भी ऑर्डर कर रही थी, सेल चल रही है ना तो मैं क्यों ये मिस करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा था। तो मैंने बहुत ही सुंदर से ये 2 क्यूट से कुर्ते ऑर्डर किए हैं, दोनों में ही व्हाइट कलर का वर्क है, थ्रेड वर्क, सी बहुत ही प्रिसाइजली काम हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। शॉर्ट कुर्तीज तो बहुत सारी गर्ल्स को पहनना पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये दोनों जो प्रिटी सी कुर्ती है ये मैं ले ही लूँ और दिखाई दूँ आप लोगों को। सी
इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड स्लीव पे बहुत ही प्यारा सा नेट का वर्क है, बहुत प्रिसाइज काम हो रखा है यार, मतलब बहुत प्यारी क्वालिटी है इसकी। सी मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसका वर्क भी काफ़ी ज़्यादा क्लासी है एंड कलर इसका थोड़ा मरून टाइप है, मतलब ओवरऑल बहुत ही प्यारी कुर्ती है ये। एंड ये ब्लैक वाला तो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था वेबसाइट पे एंड ये रिसीव भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सी कितना मिनिमल सा वर्क है इसके फ्रंट में, फिर भी ये कितना ज़्यादा क्लासी लग रहा है। इसके जो ये वाली डिटेलिंग है ना बाजू पे, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इसी से मैं अट्रैक्ट हुई थी एंड फिर ये कुर्ती रिसीव भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हुई है। काम काफ़ी प्रिसाइजली हो रखा है, धागे काफ़ी अच्छे से मतलब ये जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया है काफ़ी अच्छे से बनाया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से धागा वागा निकल रहा हो। ओवरऑल एक परफेक्ट कुर्ती है गाइज एंड डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। इसी के साथ मेरी मीशो की कलेक्शन खत्म हुई एंड आई होप आप लोगों को मेरी कलेक्शन अच्छी लगी हो। इनमें से क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको वो ज़रूर बताना नीचे एंड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड गाइज अगेन मैं बोलूँगी कि महा सेल चल रही है, रनिंग है अभी, तो फटाफट से इन्हें ऑर्डर कर लो, 80% से ज़्यादा ऑफ मिल रहा है। इन सबके लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिए, तो आप सिंगल क्लिक के साथ जो भी पसंद आ रहा है वो कुछ भी परचेज कर सकते हो उनकी वेबसाइट पर जाके। वीडियो भी शेयर कर देना अगर किसी को ज़रूरत हो तो। ठीक है गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।